हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जियो पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं नया जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करना, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि एक नया जियो पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग मैं बताने वाला हूं कि एक नया जियो पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग सीख जाएंगे कि नया जियो पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से बता देता हूँ कि एक नया जियो पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को अपने फ़ोन में जो क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना होगा, और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च बार में टाइप करना होगा जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन। ये जो कीवर्ड है, आप लोग इन कीवर्ड को देख लीजिए, ये कीवर्ड आप लोग को टाइप करके सर्च कर देने होंगे। फर्स्ट आप लोग को मिल जाएगा आप लोग को जियो ऑनलाइन अकाउंट, यहाँ पे आप लोग ओपनिंग अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन आप लोग फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है एम पिन वैलिडेशन, तो आप लोग अपना जो एम पिन है वो आप लोग यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मुझे अपना एम पिन नहीं पता है, मैं फॉरगेट एम पिन पे मैं क्लिक करूँगा, तो आप लोग को जो है मैं ऑलरेडी एम पिन सेट किया हूँ, तो आप लोग को शुरुआत में एम पिन सेट करने के लिए आएगा, तो एम पिन सेट कर लीजिए, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से इंटरफेस आएगा जियो पेमेंट बैंक में। आप लोग को इंडिया का नया कैश यहाँ पे क्रिएट नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। जियो मनी वॉलेट है यहाँ पे, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोग को इस इंटरफेस पे आप लोग को जो है आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे लेट्स स्टार्टेड पे आप लोग जो है क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके यहाँ पे ये बोल रहा है नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा, सबमिट बटन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के इंटरफेस पे आप लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है फर्स्ट नेम, तो आप लोगों को अपना जो फर्स्ट नेम है वो आप लोग को यहाँ पे डाल देना होगा, और फर्स्ट नेम डालने के बाद आप लोग को लास्ट नेम डालना होगा, और लास्ट नेम डालने के बाद अपनी जो ईमेल आईडी है वो ये आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट टाइप आप लोग अपना जो जिससे केवाईसी करना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट कीजिए। मैं पैन कार्ड से करना चाहूँगा, यहाँ पैन कार्ड को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, और इसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके बाद सबमिट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्जुलेशन यहाँ पे बोल रहा है, और ये देख सकते हैं प्रोसेट के बटन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए, और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को सेंड मनी मिल रहा है, पे एड सो प्रोफाइल पासवर्ड ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। एड मनी मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, जियो पेमेंट बैंक यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे व्यू मोर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो अपना जो एम पिन है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। तो एम पिन डालने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ एंटर लास्ट सिक्स डिजिट ऑफ पेन यहाँ पे आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। पिन सेट करने के बाद यहाँ पे नीचे भी एम पिन सेम सेट करूँगा, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फिंगरप्रिंट इसका इनेबल करना चाहे कर सकते हैं, प्रोसेट पे क्लिक कीजिए, एम पिन आपका सेट हो जाएगा। अब एम पिन मैं डालता हूँ यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो व्यू मोर पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं हमारा जियो पेमेंट बैंक यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर नो सेव्ड कार्ड यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, और यहाँ पे मेल पॉस, और यहाँ पे आप लोग को ऐड मनी मिल जाता है, यहाँ से आप लोग बैलेंस को जियो पेमेंट बैंक में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग को किसी को भी मनी सेंड करना है तो वो आप लोग सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड जो है मिल जाते हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आप लोग को बैंक ऐड करना होता है, तो जियो पे आप लोग जो अपना बैंक ऐड कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र और सेल्फ ट्रांसफ़र। तो बैंक ट्रांसफ़र पे आप लोग अपना बैंक जिसको पैसा वगैरह भेजना है तो यहाँ से आप लोग पैसा भी किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।